कोर्स ऑफ द डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग सी प्लस प्लस बहुत सारी चीजें अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं थ्योरी एस्पेक्ट से भी और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से भी इस सेशन पे हम सिंगली एंड डबली लिंग्विस्ट को देखेंगे लेकिन सर्कुलर फॉर्म पे देखेंगे लिहाजा ये सेशन आपको उसी वक्त बेहतर तरीके से समझ में आएगा जब हमने प्रीवियसली सेशन पे जो टॉपिक्स कवर किए हैं वो आपने वॉच किया हुआ और उसके प्रैक्टिकल कोड को भी इम्प्लीमेंट किया हुआ जैसे कि हमने स्टेप बाय स्टेप डिस्कस किया तो सिंगली एंड डबली लिंग्विस्ट क्या है सेपरेट वीडियो पर ऑलरेडी कवर्ड है वो चीज़ें आपने देखनी है देन उसके बिहाफ पे ही इस वीडियो में डिस्कस होने वाला सिंगली एंड डबली सर्कुलर लिंग लिस्ट समझना हमारे लिए रहेगा। तो वीडियो फर्द कंटिन्यू रखने से पहले बताता चलूँ कि इससे रिलेटेड प्रीवियसली तमाम वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर फादर एंड सी एस से सर्च करने के बाद मेरे यूट्यूब चैनल पर आएंगे इसके प्ले लिस्ट पर जाएंगे जहां डिफेंट डिस्प्लेन्स की वीडियोज मौजूद है विद्लीज आप इन्हें वॉच कर सकते हैं जबकि इनमें इस्तेमाल होने वाला कॉन्टेंट रिलेटेड मटीरियल प्रेजेंटेशन राइट कोड तमाम चीजें मेरे ब्लॉग फादरस एंड सी एस ब्लॉब स्पॉट डॉट कॉम पर है तमाम मटीरियल को फ्रीजी डाउनलोड करके यूज़ किया जा सकता है चैनल पर अगर नए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें ताकि इसी तरह की चीज़ें हम पर वक्त हज़ार के साथ सीख रहे अगर आप मशीन लर्निंग और डेटा साइंस पर इंटरेस्ट रखते हैं तो यू डी पे एक कोर्स मेरा ला लाइव मौजूद है जो आर प्रोग्रामिंग को यूज़ करते हुए बनाया गया है तो चेक इट आउट दिस कोर्स इसके जरिए से आप बड़ी एक्सपर्टीज हासिल कर सकते हैं डेटा साइंस और मशीन लर्निंग के अंदर ओके तो एज मैंशन एट द स्टार्टिंग के हमने सिंगली लिंगलेस के अंदर जाना था कि उसकी लॉजिक क्या है क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं और फिर इसी तरह से हमने डबली लिंगलेस जाना और उसमें देखा कि टू वे आ, बाई डायरेक्शनल ट्रेवल्स करने की जो लिंकनेस थी सिंगल के अंदर जो, जो मौजूद नहीं था वो डब्ली के अंदर हम इंट्रोड्यूस करके लेकर आए क्या ऑपरेशन थे वो सारी चीजें अब एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर एड होता है जिसको मैं लिंक लिस्ट का वेरिएशन कह सकता हूँ और वो वेरिएशन ये है कि सिंगली एंड डब्ली लिंक लिस्ट को सर्कुलर बना दिया जाए यानी कोई एक ऐसा लिंक बना दिया जाए कि जो लास्ट एलिमेंट है वो पहले वाले लिंक पहले वाले नोट के साथ कनेक्ट हो जाए यानी लास्ट नोट का रिलेशन फर्स्ट वाले के साथ बनाकर एक सर्कुलर लिंक बना दिया

यहाँ पर रेफरेंस दे दिया जो रेफरेंस पे इसका है फिर थर्ड एलिमेंट ऐड हुआ अब अगर हमें वेनेला फॉर्म ऑफ दी की बात दू जो लास्ट में नोड हुआ करता था उसमें यहाँ तो डेटा होता था ठीक है लेकिन लास्ट जो रेफरेंस नोड होता था वो नल होता था जिससे हमें ये पता चल जाता था कि यहाँ पर इसके आगे कोई मजीद नोड नहीं है ठीक है देर इज नो नोड फॉर तो इससे हम अंदाजा लगा लेते थे और यही लॉजिक हम यूज करते हुए लास्ट में रिकॉर्ड को डिलीट करना या लास्ट में रिकॉर्ड को इंसर्ट करने की लॉजिक परफॉर्म करते थे अब एक वेरिएशन इसमें यह हुआ कि जो नल था यानी लास्ट में उस लास्ट के अंदर फर्स्ट के एड्रेस को स्टोर कर दिया जाए तो इट इज अ फर्स्ट नोड मेमोरी एड्रेस और इस फर्स्ट नोड के मेमोरी एड्रेस को हमने लास्ट में ऐड कर दिया तो जैसे ही हमने ऐड किया तो एक्चुअली ये सर्कुलर फॉर्म पर बन गया ठीक है यानी ये फर्स्ट नोड है ये सेकंड है ये थर्ड है ये, ये फोर्थ और फोर्थ का रिलेशन लास्ट वाले के साथ हो गया तो ये पूरा एक सर्कल बन गया इसी फॉर्मेशन को सिंगली सर्कुलर लिंगलिस्ट कहा जाता है दो पॉइंटर uh, मौजूद होते हैं एक प्रीवियस कहलाता है और एक नेक्स्ट कहलाता है जबकि मिड पे हमारा डेटा मौजूद है तो जो नेक्स्ट नोड है उसका एड्रेस 200 है तो हमने इसे स्टोर करवाया गया फिर इसमें 67 है इसका नेक्स्ट नोड 300 है ठीक है बाई डायरेक्शन करेंगे तो इसके अंदर टू हंड्रेड है प्रीवियस वाला और इसमें हंड्रेड है ये बिल्कुल सेम लगे एज वी नो कि जो पहला सिंगली लिंगलिस्ट के अंदर एड्रेस होता था उसमें दो एलिमेंट्स थे लेकिन डब्ल्यू के अंदर दो नोट्स होते हैं तो प्रॉब्लम ये आती है कि जो वनेला फॉर्म ऑफ दी डब्ल्यू लिंगलिस्ट था उसका जो प्रीवियस होता था वो हमेशा नल होता था फर्स्ट के लिए और जो लास्ट के लिए नेक्स्ट था लास्ट का जो नेक्स्ट था वो नल हुआ करता था

इस तरह से ये भी एक सर्कुलर फॉर्म पे बिल्ड हो गया सो दैट इज बेसिक अंडरस्टैंडिंग और द फॉर्मेशन ऑफ द लिस्ट जिसमें हमने सर्कुलर इम्पैक्ट एड करते हुए इसको एक वेला फॉर्म से नेक्स्ट फॉर्म पे कन्वर्ट कर दिया बाकी जितने भी ऑपरेशन हैं यानी डेटा को इंसर्ट करवाना ठीक है डिलीट करवाना आ, इसी तरह से ट्रावर्ट्स करना ट्रावर्ट्स करने के अलावा डिस्प्ले करना या फिर अपडेट करना ये सारे ऑपरेशन बिल्कुल वैसे ही हो रहे होंगे जैसे अभी हमने सिंगलीस्ट लिंग, में सेपरेटली देखा हुआ और डबली में भी देखा हुआ लेकिन सिर्फ एक चीज यहाँ पर ऐड हो रही है कि लास्ट वाले के अंदर फर्स्ट का रेफरेंस आ जाएगा और अगर यही डबली में होगा तो लास्ट वाले में फर्स्ट का और फर्स्ट वाले में लास्ट का रेफरेंस ऐड हो जाएगा जिससे ये सर्कुलर फॉर्मेशन बनाए अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट सिंगली सर्कुलर लिंगलिस्ट की अगर बात करें तो इन सिंगली सर्कुलर सिंगलीस्ट द लास्ट नोट पॉइंट बैक टू द फर्स्ट नोट सर्कल कई चीज अभी हमने देखी कि लास्ट के अंदर फर्स्ट का एड्रेस आ जाता है और येडायर लिस्ट स्टार्टिंग फ्रॉम एनी नोड इंपॉर्टेंट थिंग इसमें ट्रैवलिंग में, में यह पता चलता है कि हम किसी भी नोड से स्टार्ट करके आगे जा सकते हैं क्युं? क्यों क्योंकि पूरा एक सर्कल है सर्कल तो से किसी भी पॉइंट से स्टार्ट करूंगा तो उसके लास्ट में पहुंच सकता हूँ यूजफुल इन सिनारियोज वेयर ऑपरेशन नीड टू बी म इन एनी सर्कुलर मैनर यानी कोई भी ऐसा ऑपरेशन जिसमें आप सर्कल फॉर्म पे कोई ऑपरेशन परफॉर्म होता हुआ देख रहे हैं यानी जहां से आपने अपने वर्क को स्टार्ट किया उसी पर आकर आप अपने काम को एंड करना चाहते रहे तो ऐसे सीनैरियो पे आप सर्कुलर लिंगलिस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं सिनेरियो सर्कुलर बफर इंप्लीमेंटेशन जो बफर होता है मेमोरी टाइप वो सर्कुलर फॉर्म पर है तो उसकी जो टाइप उसमें इसको इंप्लीमेंट किया जा सकता है

हमने क्लास बनाई क्लास बनाने के बाद इसे पॉइंटर में डिफाइन कर दी है ये सारी चीजें मोलती जा चुके हैं सेम लॉजिक के साथ यहाँ पर काम है इन और यू कैन से सर्कुलर ईच कंटेन द रेफरेंस ऑफ द बोथ द नेक्स्ट नोट एंड द प्रीवियस नोट एंड द लास्ट नोट पॉइंट बैक टू द फर्स्ट यही चीजें हमने देखी कि फर्स्ट के अंदर लास्ट का और लास्ट के अंदर फर्स्ट का रेफरेंस मौजूद था सपोर्ट बाई डायरेक्शनल ट्रावलिंग एंड सर्कुलर दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग

चलते हैं तो ऑपरेशन कि किस तरह से परफॉर्म हो रहा है इधर हमने एक एक चीजों को ब्रेक डाउन किया हुआ ऑपरेशन के जब मैं डबली बता रहा था या सिंगली बता रहा था तो अगेन में हाईली रिकमेंड करूंगा कि आपने वो ऑपरेशन के लॉजिक को प्रॉपरली पहले अंडरस्टैंड किया हो, तभी आप इस चीजों को और भी बेहतर तरीके से समझ पाए नोड यानी डब्ली जब सर्कुलर आप लिंगलेस बनाएंगे तो लिंगलेस बनाने के लिए तो सेम लॉजिक इस्तेमाल होगी आपके पास तीन ब्लॉक्स होंगे नोड के अंदर प्रीवियस होगा फिर आपके पास डेटा होगा और उसके बाद नेक्स्ट होगा तो जो डेटा है वो यहाँ पर इससे रिप्रेजेंट हो रहा है दो पॉइंटर नोड टाइप के हम बनाएंगे जो प्रीवियस और नेक्स्ट के लिए इस्तेमाल हो रहा होगा फिर उसी को मैंने कंस्ट्रक्टर में पास कर दिया और इनिशियल वैल्यूज नल इसके लिए पास करते हैं क्योंकि अभी इसके साथ कोई भी नोड इससे ना पहले है ना बाद पे तो उसके दोनों नोड्स नल ही रिप्रेजेंट हो रहे होंगे ठीक है लेकिन जब ये सर्कुलर फॉर्म पर चेंज होगा क्योंकि अभी तो मैंने सिर्फ नोट बनाया है तो जब आगे वैल्यूज जाएंगी तभी तो सर्कुलर बनेगा तो सर्कल बनने से ये वाली वैल्यूज अपडेट हो जाएगी और इस नोट की पहली वाली वैल्यूज इसके जरिए अपडेट हो जाएगी ठीक है तो ये सारी चीजें अभी हमें कोर्ट पे और भी बेहतर तरीके से समझ में पाएंगे ठीक है तो हम कोर्ट पे आ गए पहले हम सिंगली सर्कुलर लिंगलिस्ट को समझते हैं सबसे पहले हमने क्लास uh, बनाया सर्कुलर सिंगली लिंगलिस्ट के नाम से हेड पॉइंटर बनाया हेड पॉइंटर हम क्यों बनाते हैं ताकि वो पहले नोट के एड्रेस को होल्ड कर सके फिर हमने कंस्ट्रक्टर बना के हेड की वैल्यू को डिफॉल्ट तौर पर नल पास किया ताकि नल इसलिए पास किया कि उसके पास अभी कोई भी नोड मौजूद नहीं है जब पहला नोड बनेगा तो वो नल वैल्यूज अपडेट कर देगा फिर आ, यहाँ पर डिस्ट्रक्टर बनाया जिससे हमने तमाम वैल्यूज को डिस्ट्रॉय किया फोर्सली क्योंकि मैं डायनेमिक टाइप यूज कर रहा हूं तो मैं डिलीट कर रहा हूं ये सारी चीजें लास्ट में आपको और भी अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगी ये तमाम ऑपरेशन को शो कर रहा है द फर्स्ट थिंग इंसर्शन तो तीन तरीकों से इंसर्शन पॉसिबल होती है इंसर्शन एट स्टार्ट एट एंड और अकॉर्डिंग टू द पोजिशन जहां पर आप चाहते हैं वो सेम लॉजिक हम प्रीवियस भी तो इंसर्शन स्टार्टिंग पे मैंने डेटा लिया नोट बनाया न्यू नोट का ठीक है नोट टाइप का और उसमें वो डेटा सेव कर दिया चेक किया कि क्या हैड पॉइंटर नल तो नहीं है अगर नल है तो उसका मतलब है कोई नोट मौजूद नहीं है तो हेड के अंदर ही उस नोट का डेटा सेव कर लो और नेक्स्ट डॉट जो न्यू नोट का नेक्स्ट होगा उसकी वैल्यूज हैड में सेव कर लो यानी पहला नोट उसमें सेव हो जाएगा तो अब जो नया नोट बनेगा उसकी हेड की वैल्यूज अपडेट डेट होगी उसके जरिए अगर ऐसा नहीं है उसमें ऑलरेडी कोई वैल्यूज मौजूद है तो उसका मतलब है उससे पहले आएगा तो उससे पहले आने के लिए मैंने एक वेरिएबल लिया करंट का जो हेड की वैल्यूज को सेव करेगा क्योंकि हम हेड को कभी भी मूव नहीं करते वो हमेशा एक जगह सेव रहता है जिससे हमें यह पता चलता है कि पहले नोट की वैल्यू क्या है अब हम स्टार्ट में करना चाह रहे हैं तो मैंने करंट वेरिएबल को सेव कर लिया हेड की वैल्यू के साथ फिर मैं करंट के नेक्स्ट पे जाकर देखता हूँ कि उसकी वैल्यूज क्या हेड के बराबर तो नहीं है यानी उसमें वैल्यूज नल तो नहीं है नॉट इक्वल टू नल का मतलब ये कि वैल्यूज मौजूद है तो मैं करंट से नेक्स्ट पे चले जाऊंगा ठीक है उस वक्त तक जाता रहूंगा जब तक लास्ट वाली वैल्यूज ना वहां पर मिल जाए तो ये अगर ट्रू होता है तो मैं आगे जाता रहूंगा ट्रावर्स करता रहूंगा उससे तो मुझे सारी वैल्यूज का पता चलेगा लेकिन मुझे स्टार्टिंग में वैल्यूज इंसर्ट करवाना है देन मैंने न्यू नोट के नेक्स्ट पे जाकर हेड की वैल्यू सेव करवा दी ठीक है हेड न्यू नोट के बराबर हो चुका है और करंट का जो नेक्स्ट है यानी जिस जगह नोट पे मौजूद हो उसके बाद में जो नोट होगा वो हेड के बराबर हो जाए इसी कोड को अगर आप लिटिल बिट बिल्कुल कंपेयर करें ना सिंगली लिंगलेस के ओरिजिनल कोड के साथ तो वहां पर ये चीजें और भी बेहतर तरीके से हम यूजलाइज होते हैं ये हमारा फर्स्ट लिंगलिस्ट का कोड है ठीक है जिसमें हमने सिंगली लिंगलिस्ट बनाने देखा था और ये है इंसर्शन ठीक है तो अगर आप पहले वाले सिर्फ सिंगली लिंगलिस्ट के कोड को देखें तो यहां पर हमने स्टार्ट इंसर्ट एट बिगनिंग पे ये कहा कि नोट बनाओ और नोट के नेक्स्ट पे हेड की वैल्यू को सेव करा तो उसका मतलब ये हुआ कि हम हेड की वैल्यू को अपडेट कर रहे थे हेड की वैल्यू अपडेट होने से ये हो रही थी कि वो पहला नोट बन रहा था और हेड की वैल्यू के अंदर न्यू नोट का एड्रेस इंसर्ट एट बिगनिंग पे सिर्फ बेसिक फोकस ही हो रहा था लेकिन क्योंकि जब जब हम सिंगली सर्कुलर इंग्लिस्ट को अपडेट कर रहे हैं तो हमने पहले तो ये देख लिया कि नल है पहली वैल्यूज वैल्यू लेकिन अगर वो एग्जिस्टिंग होती होगी तो जो लास्ट में नोट मौजूद होगा उसका एड्रेस पहले वाले पर आना चाहिए ठीक है उसका एड्रेस पहले वाले पर आना चाहिए या पहले वाले का एड्रेस लास्ट पे जाना चाहिए यही सीनाज हो सकता है डब्लू के अंदर देखा जाए तो दोनों तरफ हो रहा है और सिंगली में वन डायमेंशन हो रहा है तो अभी हमारे पास कंसर्न पहले की लॉजिक तो बिल्कुल सेम सेकंड की लॉजिक भी सेम होगी सिर्फ लास्ट वाले एलिमेंट को मुझे क्या करना होगा अपडेट करना होगा कि ये जो ऑपरेटर है आई मीन पॉइंटर है है उसमें फर्स्ट फर्स्ट का का एड्रेस एड्रेस आना आना चाहिए आना चाहिए ठीक इसमें और ये बार बार अपडेट होता रहेगा तो इन सीनरी उस पर जब पहला नोट बन रहा है तो पहले नोट के अंदर एड्रेस तो लास्ट का ही होना चाहिए पहले नोट के अंदर लास्ट का होना चाहिए क्योंकि इस वक्त एक ही नोड है तो इस नोट के अंदर इसी का एड्रेस सेव रहे है। उस वक्त तक जब तक दूसरा नोट ना बन जाए ताकि हमें समझ में आए कि मैं इसी से स्टार्ट हुआ और इसी पे आकर एंड भी हो तो यही लॉजिक यहां पे की है कि न्यू नोट नेक्स्ट हेड के बराबर करके मैंने हेड को न्यू नोट बनाया और करंट के नेक्स्ट को मैंने हेड बना तो ये स्टार्ट इंसर्शन एट बिगनिंग की लॉजिक हो अगर यही चीज मुझे एंड पे करना है ठीक है तो अगर इसी चीज को मैं एंड पे कर रहा हूँ सर्कुलर फॉर्म पर ठीक है तो मैंने लॉजिक के नोट बनाया नोट बनाने के बाद चेक करो नल पॉइंटर तो नहीं नल पॉइंटर का मतलब ये है कि कोई वैल्यूज नहीं है तो कोई वैल्यूज जब ना हो तो इंसर्शन एट स्टार्ट भी सेम लॉजिक की होगी और एंड भी सेम लॉजिक की होगी क्योंकि पहला ही लास्ट स्टार्ट होगा और एंड होगा और एंड ही पहला होगा अगर आप बेसिक सिनेरियो पे देखें कोई नोड नहीं है आपके पास तो आप एंड पे कराओगे तो वो पहले ही बनेगा और पहले भी कराओगे तो वो एंड भी है ठीक है तो ये तो बेसिक लॉजिक इंसर्शन की होगी एल्स का मतलब है कुछ नोड ऑलरेडी मौजूद है तो मैंने एक करंट के नाम से बनाया सेम बिल्कुल लॉजिक इस्तेमाल हो रही है और इंसर्शन यानी इसी तरह से हम एंड पे जाकर नोट को सेव कर सिर्फ मुझे क्या करना है कि जो लास्ट का रेफरेंस होगा जो नल होता था उस नल को मैं किसके बराबर करूंगा हेड है। के और हेड का मतलब है कि पहले नोट का रेफरेंस अब लास्ट वाले के रेफरेंस पे जाकर सेव हो गया ठीक बाकी कोड बिल्कुल सेम है इसी तरह से डिलीट करने की लॉजिक तीन सीनारी हो सकती है यानी डिलीट स्टार्टिंग करना चाह रहे हैं या जो वो नोट जो आप बताना चाह रहे हैं उसके मुताबिक तो आप इस कोड को चेक भी कर सकते हैं वैसे ये वही कोड है जो हमने प्रीवियस सेशंस पे किया हुआ है सिर्फ लॉजिकली हम सिर्फ क्या कर रहे होंगे डिलीट होने के बाद ये चेक कर रहे होंगे कि, कि किस पोजीशन से वो डिलीट और उसके मुताबिक अपडेशन क्या सिनेरियो हो सकता है मैं इस नोट को भी डिलीट कर सकता हूँ इसे भी डिलीट कर सकता हूँ और इसे भी डिलीट कर सकता हूँ लेकिन अगर मैं इसे डिलीट करूंगा तो क्या होगा ये रेफरेंस हटेगा और इसकी जगह पर लास्ट वाले का रेफरेंस आ जाए तो यही पूरे सिनेरियोस को यहाँ पर दिखाया गया है स्टेप बाय स्टेप कि अगर नल पॉइंटर है तो डायरेक्टली रिटर्न हो जाओ करंट एंड करंट और प्रीवियस के नोट्स यहाँ पर क्यों बनाया मैंने इसकी वजह यह है कि, कि सिंगल इन इंग्लिस्ट के अंदर एक लास्ट वाला पहले रेफरेंस और एक बाद में रेफरेंस है तो ये करंट और प्रीवियस का मतलब यहाँ पर डबली कॉन्सेप्ट नहीं बल्कि सिंगल ही के साथ है लेकिन हम उसको बार बार चेंज कर ठीक है यानी ये वाली वैल्यूज को और ये वाली वैल्यूज को हम क्या कर रहे हैं चेंज कर रहे हैं ना भाई इसके रेफरेंस तो जब ये डिलीट हो गया पहला तो इसका रेफरेंस इस तरफ आ गया तो इसीलिए हम करंट और प्रीवियस के दो पॉइंटर को लेकर चल रहे हैं ताकि उनकी वैल्यूज को अपडेट सके ठीक है सिंपली ये डिलीट की कंप्लीट लॉजिक है सर्चिंग वेरी सिंपल सेम कोड सर्चिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा है जो सिंगलिंग लिस्ट के अंदर था ठीक है इससे तो कोई चेंजिंग है नहीं हर नोट पे जाकर मुझे ट्रैवर्स करना है और एक एक वैल्यूज को सर्च करना है ठीक है ये कंप्लीट लॉजिक हमने पहले भी जाना डिस्प्ले भी सेम लॉजिक से होगा ट्रावर्सिंग करके एक एक नोट के डेटा की वैल्यूज को प्रिंट कराऊंगा करंट डॉट डेटा या करंट डैश एरो डेटा का मतलब ये कि उस के डेटा को डिस्प्ले करो जब ये सारी चीजें लॉजिकली हो गई मेन पे जाकर फंक्शन बनाया और फंक्शन बना के तमाम कोड को एग्जीक्यूट किया जा रहा है जैसे हमने सेपरेटली सिंगली लिंगलिस्ट को किया था देन द डब्ली कॉन्सेप्ट के अंदर भी ओवरऑल लॉजिक कोड की बिल्कुल वैसे ही होगी जैसे हमने पहले डिस्कस किया था फर्स्ट डेटा नेक्स्ट एंड प्रीवियस के नाम से दो पॉइंटर है जो पॉइंटर नोट टाइप का है फिर तो उसके बाद हमने कंस्ट्रक्टर बनाया कंस्ट्रक्टर बनाने के बाद वैल्यूज दूसरी क्लास के अंदर हमने एक हेड पॉइंटर पास किया फिर कंस्ट्रक्टर बनाया डिस्ट्रक्टर बनाया और फिर इंस्टर्शन स्टार्ट हो गई तो इंसर्शन एट बिगनिंग का मतलब ये हुआ कि जो पहला नोड है उसका जो प्रीवियस होगा वो लास्ट वाले का रेफरेंस होगा ठीक है उसका जो प्रीवियस होगा वो लास्ट वाले का रेफरेंस होगा और लास्ट के अंदर तो उसी वक्त बारी आ गई जब मैं लास्ट में इंसर्ट कर करवाऊंगा ठीक है तो हमने नोड बनाया नोड बनाने के बाद देख रहा हूँ कि एड की वैल्यू नज तो नहीं है इसका मतलब है पहला नोड है

नेक्स्ट का रेफरेंस हेड के बराबर हो नेक्स्ट का रेफरेंस हेड के बराबर होने का मतलब ये है।, है तो मुझे न्यू नोड बनाकर लॉजिकली वही काम किया the के साथ यहाँ डिलीट है आ, मैं अभी चुका हूं कि इस तरह से लॉजिकली वर्क होगी बस यहाँ पर आ, दो नोट्स यानी दो रेफरेंस होते हैं तो उनके मुताबिक मुझे अपडेट करना पड़ रहा है ठीक है एंड सेम फॉर द सर्चिंग लॉजिक ठीक है एक एक वैल्यूज को जाकर डेटा को मैच करना है कि जो मैंने डेटा दिया है क्या वो उसके बराबर है या नहीं एज सेम फॉर द डिस्प्ले ट्रावर्स मेन मैथड में गया और उसके बाद हमने वैल्यूज को यहाँ पर yeah. तो हो पी यूर अंडरस्टैंड एवरी एस्पेक्ट आ, ये कोड अवेलेबल है ब्लॉग पर आप लाइन टू लाइन कोड को एग्जीक्यूट करके देख सकते हैं वीडियो लॉन्ग हो गई लेकिन मैंने एवरी एस्पेक्ट यहाँ पर डिस्कस किया है कि ये सर्कुलर फॉर्म पर किस तरह से वर्क करते हैं वेरिएशन क्या है क्या एडवांटेजेस हैं क्या सिनारियोज हैं ठीक है तो अगर आपने स्टार्टिंग की वो वीडियोस देखी हुई होंगी की तो ये बातें समझना आपके लिए आसान रहा होगा लेकिन फिर भी अगर कोई सवाल है कोई चीज़ समझ में नहीं है कमेंट सेशन में मुझे जरूर बताएं ताकि उसके हवाले से मैं आपको जवाब दे सकूँ वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें ज़्यादा ज्यादा लोगों को शेयर करें और इसी तरह से जुड़े रहें ताकि हर एक टफ एंड क्रिटिकल टॉपिक्स आपके लिए समझना आसान रहे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें नेक्स्ट सेशन पर मिलता है सीधा